कितना सुंदर है यार, हम तो बस यही देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम भी आए हैं, कितना सुंदर है यहाँ से। वहाँ देखो वाटर देखने तरह है। वाह कितना अच्छा वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए वाटरफॉल, मजा आएगा ना आपको, अच्छा है ना। चलो और चलो और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। म्यूजियम शॉप में मैबो का सवाल है कि म्यूजियम किसको बोलते हैं। देखो म्यूजियम का मतलब होता है कि पुरानी सामग्री, मतलब पहले का जो भी चीज हो उसको संभाल के रखा जाए, जो चीज खत्म होते जा रहा है वो म्यूजियम। बिहार में कहाँ कहाँ सेंचुरी है, कुछ भी चीज बिहार में कहाँ कहाँ है वो पूरे राज्य का यहाँ पर दर्शाया गया है, कहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। देखिए कहाँ पर अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, गौतम अभ्यारण्य यहाँ पे है। नहीं नहीं कहाँ कहाँ पूरे बिहार में कहाँ कहाँ है घूमने वाला। कैमूर रोहतास अभ्यारण्य, ये हमारा घर है, यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं। तुम एक जगह गए थे ना मम्मी पापा के साथ में। म्यूजियम में पूरा बनाया हुआ था, सारा कुछ पत्थर का ही था, जैसे आप देख रहे हैं पक्षी है, गिद्ध है, सांप है, बाघ है, सारा कुछ बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। बनाया हुआ तो पत्थर का ही था, सीमेंट का, लेकिन बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। वो ऐसे दर्शाया गया था कि पूरा एक आप लगेगा कि जैसे जू में घूम रहे हों। सारे जीव बने हुए थे वहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं फिर चिड़िया है, करैत सांप था, वो पूरा एकदम रियलिस्टिक लग रहा था, इतना अच्छा पेंट किया हुआ था। खरगोश हो गया, हिप्पोपोटामस है, बछड़ा खा रहा है चमगादड़, बड़ा बड़ा बकत का तीतर, सारा कुछ बहुत सुंदर बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे एक और रूम में गए जहाँ पर भारत का बड़ा सा नक्शा बनाया हुआ था और एक बड़ी सी गौरैया पक्षी बनाई हुई थी, जिसका लगता ऑलमोस्ट 50 केजी से बड़ा उसका अंडा था। हर एक काल की पुरानी मूर्तियाँ, कौन से बर्तन यूज करते थे खाने के लिए, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की मूर्ति, और हर एक गैलरी के बाहर में एक बड़ा सा टच स्क्रीन लगा हुआ था जहाँ पर आप टच करके उस पूरे रूम में क्या है उसके बारे में पढ़ सकते थे। सबसे अच्छी चीज़ थी, तो ये सबसे बढ़िया फीचर था। उसके बाद हम लोग आगे गए, वहाँ पर एक रूम था जहाँ पर सारा लाइटिंग शो चल रहा था मूर्ति के ऊपर, दीवार पर ही लग रहा था कि नालंदा के खंडहर बने हुए हैं, और जो जो पुरातत्व चीज़ हैं वहाँ पर बहुत पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थी, और सब मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि कौन मूर्ति कहाँ से लाया गया है, कब लाया गया है, कहाँ खोदा गया था, कहाँ उसको खोजा गया था, ऑलमोस्ट पूरी तरह से उस चीज़ के बारे में वहाँ लिखा हुआ। और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं आप देख पा रहे होंगे, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा टच स्क्रीन लगा हुआ था, बहुत लोग खड़ा होकर सब टच कर करके पढ़ रहे थे कि ये मूर्ति कब की थी, कहाँ से आया है, ये नक्शा में कहाँ पर आया, घंटा कहाँ से आया है। और बहुत सुंदर लाइटनिंग था, सजाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा घंटा रखा हुआ था, पता नहीं किस काल का था लेकिन बहुत सुंदर था। बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत जगह से बहुत कुछ चीज़ें लाई हैं और ला कर यहाँ रखी हैं, हर काल का हर युग का वहाँ पर रखा हुआ है, बनाया भी हुआ कि पहले महाराजा का सभा कैसे लगता था, और ऑलमोस्ट सारा कुछ है। 1965 में ऐसा सीखा था यहाँ तक वही रहा। ईस्ट इंडिया अपडेट थोड़ी होता है भाई, ऐसा खराब मोबाइल बना कौन लगा रहा चल।
घूमे तो नहीं हम लोग सही से, हड़बड़ी में थे क्योंकि लेट से आए हैं, 5 बजे पूरा म्यूजियम बंद हो जाएगा, लेकिन जो ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी हो सकता था हम लोग ने किया है। अभी चलिए हम लोग लेकिन अभी कोरोना के कारण 5 बजे तक ही खुला है तो हम लोग को जाना पड़ेगा, तो रात को जबरदस्त फोटोग्राफी। अभी हम लोग म्यूजियम के बाहर वाले पार्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं पेड़ पौधा जबरदस्त लगाया हुआ है। जब पटना में शुरू में आए थे, मेरा फर्स्ट टाइम म्यूजियम में, तो मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, जब हम पटना में शुरू में आए थे ना, तो हम लोग जू गए थे, तो हम लोग 4 बार में पूरा जू घूम पाए थे, क्योंकि पटना जू भी बहुत ही है, बहुत बड़ा है, तो अब एक दिन में तो संभव नहीं है, और एक बार एक दो बार और आएंगे तो सीन लीजिए। मौसम ठीक है, आज के तो मौसम वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और इसको पूरा शेयर करें, फैला दें, पता चल जाए सबको कि बिहार म्यूजियम कितना अच्छा है।